ये शिव की बारात है, अजीबो गरीब बारात। यहाँ भूत बैताल परेत सभी जाते हैं और स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आ जाए हैं बाबा के बारात में उनकी आरती उतारने। यहाँ पर जो आयोजन समिति है उनके द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के बगल में जो शिव का रूप धारण किए हुए है और माता पार्वती का, वो लोग भी हैं। और जो शिव बारात आयोजन समिति है वो मुख्यमंत्री का सम्मान कर रही है। मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर सभी लोगों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से सोफे में बगल में शिव बैठे हुए हैं और शिव खुद आशीर्वाद दे रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को और माता पार्वती, और सामने हजारों हजारों भक्तों की भीड़ है। ये पहाड़ी मंदिर, रांची का जो पहाड़ी मंदिर है ऐतिहासिक, वहाँ का दृश्य है और इस दृश्य में आपको जो दिख रहा है। अब जब बारात निकलने से पहले दीप प्रज्वलित करके इसका शुभारंभ किया जा रहा है। शिव के जय जयकार लग रहे हैं, संतों और शिव के साथ साथ खुद मुख्यमंत्री आरती उतार रहे हैं शिव और पार्वती की, पार्वती का। और यहाँ पर अब से थोड़ी ही देर में बारात निकल जाएगी। जो महिला भक्त हैं वो आरती गा भी रही हैं, मुख्यमंत्री खुद आरती दिखा रहे हैं, आरती की थाल लिए हुए हैं और शिव और पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये पूरा नज़ारा रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर का है और अब से थोड़ी ही देर में शिव की बारात निकलेगी, अपने निर्धारित रूट पर निकलेगी। और एहतियात के तौर पर प्रशासन ने लगभग 400 से अधिक मजिस्ट्रेट और 1000 से भी अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। आपको बता दें कि अभी पांकी में जो घटना घटी है उसको लेकर खासा एहतियात बरता जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वयं कपूर डाल रहे हैं थाली में और ताकि आरती अच्छे से हो जाए। हर साल यहां पर पहाड़ी मंदिर में इसी तरीके से बाबा की आरती होने के बाद बारात निकलती है और बारात सज धज कर तैयार है। ये पूरा आयोजन जबरदस्त होता है, भक्तों की भीड़ होती है और यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ जो राज्यसभा की मेंबर महुआ माझी हैं वो भी आरती उतार रही हैं शिव और पार्वती की, और लोगों की भीड़, सामने भक्तों की भीड़ आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी को यही कहा है कि आप शिव ही सत्य है और शिव का आशीर्वाद पूरे राज्यवासियों पर बना रहे, यही हम शिवरात्रि के दिन बाबा भोले से प्रार्थना करने आए हैं। सबको शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों से शांति बनाए रखने की बात कही है। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भक्तों को संबोधित करने जा रहे हैं। और आज आप सब लोग देख रहे हैं यहाँ पहाड़ी मंदिर के इस परिसर में हर साल की भांति इस साल भी शिव बारात निकलने को तैयार है। लाखों का श्रद्धालु आज इस श्री बारात के काफिले में शामिल है। आप सब लोग गवाह हैं और हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है कि साल भर आज इस दिन का इंतजार करते हैं और बड़े पैमाने पर यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है। ये आस्था का पर्व और पहाड़ी मंदिर पर इतने लाखों का श्रद्धालुओं का तांता लगना, ये हमारी पुरखों से चली आ रही परंपरा को हम सब
मिलकर आज 2023 तक पीढ़ी दर पीढ़ी कंधे में लेते हुए आ रहे हैं और इस आशा और उम्मीद के साथ कि आने वाली पीढ़ी भी आज के इस महापर्व को अपने कंधों पर लेकर आगे चलेगी। आज के इस शुभ अवसर पर यहाँ पहाड़ी मंदिर के और ये श्री महाराज के समिति के सभी सम्मानित सदस्यों को आज के इस भव्य श्री महाराज के आयोजन के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं और झारखंड के समस्त झारखंड वासियों को आज के इस महापर्व शिवरात्रि के शुभ अवसर पर ये सारी शुभकामनाएं देता हूं और भगवान शिव से इस धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतु पर अपना कृपा बनाए रखें। आप सब लोगों को इस शुभ अवसर पर मेरी ओर से सरकार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारे बीच सुभाष कांत जी भी आए हुए हैं, शिवरात्रि का भी दिन है आज, नए राज्यपाल का भी आगमन हुआ है, आज शपथ ग्रहण हुआ है और आशा उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हमारे इस पहाड़ी बाबा का आशीर्वाद झारखंड के लोगों का है, लोगों के ऊपर है, उसी प्रकार महामहिम राज्यपाल का भी आशीर्वाद पारदर्शन राज को मिलेगा। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11 एंड 12 के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलोंग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। द फॉलो अप डॉट इन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in